ओ परा ना कर लेना पर ली झड़दा भी ना ओ भाई अब भी पाटन ना रही यहाँ भाई ये वाला खतरनाक था खतरनाक था वाकई में वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहे हैं और आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप पे, जहाँ पे हमारा होने वाला एक मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट भरा ट्रैकिंग ट्रिप है। ये फर्स्ट टाइम ट्रैक करने जा रहा हूँ मैं रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। तो यस, अभी टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं और आज तारीख है 5 सितंबर। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, मेरे साथ है अजय और निया, देखो यहाँ कान्हा जी बन के बैठी हुई है, इसको भी जाना है क्योंकि एनवायरनमेंट जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा डेंस हिल स्लोप वाली चढ़ाई है। तो वहाँ पे यस बच्चे और लेडीज़ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल भी वहाँ थोड़ा सा डाउन है। तो यस अभी हम निकलने वाले हैं, ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, बैग वैग सब गाड़ी में रख चुके हैं और अभी मिलवाता हूँ अजय से और बाकी सब लोगों से। तो यस द रितु, मियाँ को भी जाना है, मैं भी चलूँगी। आगे रेडी होके गाड़ी भी रेडी है और मियाँ कर रही है गाड़ी का तिलक और यहाँ है अजय एक्साइटेड। मेरी शक्ल सूरत सब खराब हो चुके हैं सफर में, बस ये भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे है। दोपहर को करनाल से गाजियाबाद लगभग आने में 5 घंटे लग गए हैं, तो ये भी टोटल एग्जॉस्टेड है, बट ठीक है अभी निकलना है। हर हर महादेव। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 3 और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे आप मेरे देख रहे हो एक गंगा नदी है, ये जो पीछे व्यू है ये लक्ष्मण झूला है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और यहाँ लक्ष्मण झूले के पास हमने गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। देन पीछे हमारे माउंटेन शुरू हो चुके हैं, रात के 3:30 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ आ गए थे लगभग 1 घंटा पहले। तो अभी हम लोग सो रहे थे क्योंकि रात में चढ़ना सेफ नहीं है माउंटेन्स में। यस अभी हमें अप्रॉक्सीमेट 200+ किलोमीटर्स आगे और जाना है, तो रात में थोड़ा सेफ नहीं था, इसलिए वी डिसाइडेड कि हम अभी ऋषिकेश में ही रुकेंगे, गाड़ी में ही सो जाएंगे। बट अजय तो सो गया है, मुझे नींद नहीं आ रही फ़िलहाल, तो मैं बाहर घूम रहा था, व्यू को एंजॉय कर रहा था। तो आप लोग भी देखो गंगा नदी का कितना अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है और लक्ष्मण झूला इस टाइम पे लाइटनिंग के साथ कितना ब्यूटीफुल दिखाई देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर मैं आपसे मिलूँगा मॉर्निंग में जब हम उठ के निकलेंगे आगे सगर विलेज उत्तराखंड के लिए, जो कि है गोपेश्वर चमोली के 5 किलोमीटर आगे। वो मैंने रात में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि नाइट का टाइम था, ऑलरेडी हम नाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो कुछ इतना ट्रैवल चीज़ें विजिबल नहीं हो पाती हैं। फिलहाल आप व्यू एंजॉय करो। गाइस तो अभी सो के उठ चुके हैं, टाइम हो रहा है 5:30 और निकल गए थे हम लोग वहाँ से लक्ष्मण झूला से, आज अभी सो के उठ चुके हैं और अभी हम रुके हैं एक पास में रेस्टोरेंट पे चाय वाय पीने के लिए। तो गाइस जो फादर कोई प्लान नहीं है क्या, अभी आप सोच रहे हैं हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, ऊपर पहुँचने के बाद ही नहाएंगे हम, अभी हमारे नहाने का कोई प्लान नहीं है, ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है, नींद भी आ रही है, तो वहाँ नहाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम जहाँ जाना है वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच के रूम लेंगे और वहाँ आराम से नहा धो के आज हम रेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस हम बात करने वाले थे रूट मैप की, हम लोग निकले थे गाज़ियाबाद से और आज की जर्नी होने वाली है अप्रॉक्सीमेट 462 किलोमीटर्स की, जो हमने स्टार्ट करी थी गाज़ियाबाद से
और हम लोग जाने वाले हैं, अभी हम हैं ऋषिकेश में, यहाँ से हम लोग जाएंगे पौड़ी गढ़वाल, देन श्रीनगर, और श्रीनगर से आगे फिर पड़ता है गोपेश्वर, और गोपेश्वर से भी आगे 5 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है गोपेश्वर के आगे, वहाँ पड़ेगा सगर विलेज। सगर विलेज में आज हम लोग स्टे करेंगे रात को, और कल मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे या 6 बजे जो भी अकॉर्डिंगली जैसी यहाँ खुलती है या जैसी हम लोगों का रेस्ट टाइम ख़त्म होता है, तो हम कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे अपना रुद्रनाथ ट्रैक, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक होने वाला है। तो यस, अभी हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया चाय, चाय पी के फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट। नींद 50% पूरी हो गई है, 50% अभी रहती है। अजय, हाउ आर यू फीलिंग? मैं बहुत अच्छे फील कर रहा हूँ। नींद पूरी हो गई? नींद पूरी हो चुकी है लगभग लगभग, मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा सोया हूँ। हाँ, आप फिर भी जागे हो थोड़ा सा, आधे घंटा मुश्किल से, लेकिन हाँ अभी नींद तो करनी है। पटिया की फटाफट जल्दी पहुँचते हैं, पीछे अंकल चाय बना रहे हैं। अंकल ने हमें बताया कि हम लोग अभी 5:45 रहे हैं, हम लोग 10-11 बजे तक अपनी लोकेशन पहुँच जाएंगे। वैसे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मैं कर रहा था कि हम शाम तक पहुँचेंगे, लेकिन एज पर अंकल जी, क्योंकि ये यहाँ के लोकल हैं, तो ये बता रहे हैं कि 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे। फिर भी मानता हूँ कि हाँ 1-2 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, यानी हाँ, तो बहुत अच्छा है, अच्छे से रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा, शाम को आसपास घूम भी सकते हैं। तो यस, चाय पीने के बाद निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ सीधा सगर विलेज पहुँच के। इतने आप रास्ते में इंजॉय करना सिनेमैटिक शॉट्स। गाइस, 8 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं संगम देवप्रयाग में, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर बनाती हैं गंगा नदी। यहां से गंगा नदी शुरू होती है। इस सफ़र की दूरी को थोड़ा और कम करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर, और नज़ारा बहुत ही प्यारा है। हम रास्ते में रुक गए दोबारा, लेकिन क्या नज़ारे हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस, लगभग अभी भी 100 किलोमीटर्स का ट्रैवल हमारा बचा हुआ है, और हम लगभग 1-2 बजे तक अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो यस, वाइंड अप करते हैं और निकलते हैं, और मिलते हैं आपको बेस कैंप जाके।
से चले हुए हैं अब तक का सबसे खतरनाक और भयानक रास्ता, भयानक मंजर, लैंडस्लाइड, ऊपर से बारिश आ रही है। लैंडस्लाइड पार्ट 1499 पार्ट ही नहीं याद हमें तो कौन सा नहीं। देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पहाड़ कैसे धरती में मिलके चकनाचूर हो चुके हैं और इसको देख के हमारा हौसला भी टूट चुका है। मेरा तो टूट गया भाई। मैं टूट गया भाई। ओ परा ना कर लेना, परली छाड़ दा भी ना। ओ भाई जब ही कनारी पिंटल बह रहा। नहीं मेरा क्यों रहे हैं पेट में गुड़गुड़ हो रही छाती पाटन ना रही है। ये ठीक है थोड़ा सा सड़क है। नहीं खड़े रही हो इतना घर नहीं पहुंच दे सुन क्या के अटको तो ना कबाड़ वैसे ने पूरा ही सारी कैट रखा भाई। ये वाला खतरनाक था, खतरनाक था वाकई में। ये बहुत इतनी सी जगह थी भाई तो मैंने उसको तभी तो बोला था भाई साइड में कर। तो गाइस दोपहर के बज चुके हैं 3 और हम पहुंच चुके थे अपने बेस कैंप और अभी यहाँ पास में घूमने आए हैं। ये वाला ट्रैक है जो कल हम करने वाले हैं और हमको जाना है वहाँ उस पहाड़ के भी पीछे। तो एक दूसरा पहाड़ है वो अभी बादलों की वजह से दिख नहीं रहा है, हमें जाना है वहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पास में ही अपने होटल के पास में घूमने हुए आए हुए थे। जो वाटरफॉल्स हैं उनकी आवाज़ें सुनाई आ रही होंगी क्योंकि हमारे चारों तरफ वाटरफॉल है। एक यहाँ पे है, एक पीछे है, एक उधर है, तो चारों तरफ ग्रीनरी यार। नेचर देखो, नेचर एट इट्स बेस्ट। मतलब कल का ट्रैक जो है ना वो टू मच वाओ होने वाला है। कल शुरू करेंगे और आपको एक्साइटमेंट लेवल मतलब सपोर्ट दिखाना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर।